राजस्थान के अजमेर शरीफ की दरगाह एक देखने योग्य जगह है। अजमेर शरीफ के नाम से प्रसिद्ध दरगाह में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मजार है। दोस्तों, ये भारत के सबसे पवित्र स्थानों में से एक स्थान है, जहां न केवल मुस्लिम बल्कि दुनिया भर के हर धर्म के लोग यहां आते हैं। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अजमेर शरीफ की दरगाह पर चादर चढ़ाई थी। यहां कई राजनेताओं के अलावा बॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर्स भी मन्नत मांगने और चादर चढ़ाने आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर की दरगाह में आने वाला पहला व्यक्ति था जिसने 1332 में यहां यात्रा की। चलाहरा यह दरगाह के अंदर एक स्मारक है दोस्तों, जो कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती की समय से यहां पानी का मुख्य स्रोत था। आज भी जलाहरा का पानी दरगाह के सभी पवित्र कामों में लिया जाता है। रोजाना नवाज के बाद सूफी गायकों और भक्तों के द्वारा अजमेर शरीफ के हॉल में महफिल ए समा में अल्लाह की महिमा और बखान किया जाता है। हम आपको बता दें दोस्तों कि इसी हॉल में कव्वालियां भी गाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दरगाह के अंदर बड़े बड़े कढ़ाए हैं जिसमें न्याज, चावल, केसर, बादाम, घी, चीनी, मेवे आदि को मिलाकर एक खाद्य पदार्थ तैयार किया जाता है। यह खाना रात में बनाया जाता है और सुबह प्रसाद के रूप में जनता में बांटा जाता है। दोस्तों, इस दरगाह के पश्चिम दिशा में चांदी चढ़ा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत दरवाजा भी है, जिसे जन्नती दरवाजा कहा जाता है। यह दरवाजा वर्ष में 4 बार ही खुलता है, वार्षिक उर्स के समय 2 बार, ईद पर व ख्वाजा साहब की पीर के उर्स पर। दोस्तों, अजमेर शरीफ के अंदर बनी हुई अकबर मस्जिद अकबर के द्वारा जहांगीर के रूप में पुत्र रतन की प्राप्ति के समय बनाई गई थी। दरगाह शरीफ राजस्थान का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का स्थान है। वे एक सूफी संत थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबी और दलितों की सेवा में समर्पित कर दिया। यह स्थान सभी धर्म के लोगों के लिए पूजनीय है और प्रतिवर्ष यहाँ लाखों तीर्थयात्री आते हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि ख्वाजा साहब का जन्म ईरान में हुआ था। अपने जीवन के कुछ पड़ाव वहां बिताने के बाद वे हिंदुस्तान आ गए थे और उन्होंने अजमेर में अपनी यह रूहानी सुकून की जगह बनाई। एक बार बादशाह अकबर ने इनकी दरगाह पर पुत्र प्राप्ति के लिए मन्नत मांगी थी। ख्वाजा साहब की दुआ से बादशाह अकबर को बेटी की प्राप्ति हुई। खुशी पर बादशाह अकबर ने ख्वाजा साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए अजमेर से अजमेर शरीफ तक पैदल ख्वाजा के दर पर दस्तक भी दी थी। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी उर्स के खास मौके पर मखमली चादर ख्वाजा साहब को चढ़ाई थी। कभी आधी दुनिया पर राज करने वाली इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया ने भी ख्वाजा साहब के दर पर जाकर उनके आदर में चादर चढ़ाई थी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के सबसे कामयाब व ऑस्कर विनिंग संगीतकार मिस्टर A.R. रहमान भी ख्वाजा साहब के दर पर जाने से अपने आप को नहीं रोक पाए। जी हाँ दोस्तों, A.R. रहमान इतने बड़े मुरीद हैं कि वह कई बार इस दरगाह पर आ चुके हैं। और हम आपको बता दें कि A.R. रहमान ने अपनी एक कोठी भी अजमेर में बना रखी है। दोस्तों, भगवान कहूँ या अल्लाह, जीजस कहूँ या वाहे गुरु, कुदरत की दृष्टि